आइए नाज़रीन, आज हम आपको ग्रीन सैलेड बनाने की रेसिपी देते हैं, जो कि एक बहुत ही सादा सी रेसिपी है लेकिन बहुत खूबसूरत बनती है। इसके लिए हमने चंद एक अशिया ली हैं जिसमें सारी ही ग्रीन्स हैं। टबैस्को सॉस लिया है, ग्रीन टबैस्को सॉस, अच्छी क्वालिटी की मेयोनीज चाहिए होगी। सैलेड के लिए हमने 1 लार्ज क्यूकम्बर लिया है, ग्रीन ग्रेप्स लिए हैं, 2 ग्रीन एप्पल्स लिए हैं, 1 ग्रीन कैप्सिकम ली है और हाफ लेटस लिया है। सबसे पहले हम ये जो चीज़ें हैं सारी, इनको क्यूब्स में काटेंगे। क्यूकम्बर पे इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं और इसको हमने बारीक बारीक क्यूब्स में काट लेना है। क्यूकम्बर को हमने क्यूब्स में काट लिया है, ये लेबनीज क्यूकम्बर है तो इसको पील करने की ज़रूरत नहीं होती, स्किन के साथ ही ये खाया जाता है। तो अगर आप दूसरा आम क्यूकम्बर यूज़ करें तो आप उसको पील कर लें, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो हार्ड होती है। कैप्सिकम जो है इसी तरह पर हमने कैप्सिकम को बारीक बारीक काटा है और क्यूब्स बना ली हैं और उसको भी हमने क्यूकम्बर के साथ ही मिला दिया है। एप्पल जो है उसको हम काटते हैं बारीक क्यूब्स में इसी तरह पर, और इसे भी हम अपनी कैप्सिकम और क्यूकम्बर के साथ जो है वो मिला लेंगे। लेटस को हमने काटा है इसी तरह, छोटा छोटा बारीक बारीक काट लें। और ग्रेप्स जो हैं उनको हमने लॉन्ग वे आधा आधा किया है। ये है इस सैलेड की खूबी कि जब भी आप इसे बनाकर कहीं लेके जाएं या आपके टेबल पे ही रखा हुआ हो तो आपके जो मेहमान हैं या जो देखने वाले हैं वो इस सैलेड के बारे में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये एक नज़रों को भाने वाली चीज़ बन जाती है। अब हम इसको जो है अच्छी तरह पर मिक्स कर लेंगे। तो एप्पल हमें लगता है कि इसमें कम है तो हमने दोनों ही एप्पल जो है वो इसमें काट के डाल दिए हैं। मेयोनीज जो है वो हमने 3 टेबलस्पून फुल मेयो के जो है इसमें डाले हैं, जो कि इसके लिए काफ़ी होंगे। टबास्को सॉस जो है वो भी हमने 1 टीस्पून डाला है और अभी हम इसको हिला के और चख लेंगे कि अगर इसमें और की ज़रूरत है तो। 1 टीस्पून जो है वो हमें थोड़ा कम लगा तो हमने इसमें 1 टीस्पून और ऐड किया है टबास्को का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर, तो ज़रा ध्यान से ही डालें, चख लें पहले और उस हिसाब से आप इसको ऐड करें। तो ये लीजिए, हमारा ग्रीन सैलेड जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही हेल्दी और नज़रों को भाने वाला सैलेड जो है वो तैयार होता है। इसकी रेसिपी जो है वो हमने अपनी एक फ्रेंड से ली है। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपका बहुत अच्छा तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।